शेफ हमें बताएंगे मॉइस्ट चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दो अंडे यूज होंगे इसके अंदर। ठीक है, शुगर चली जाएगी। ओके, और इसी के साथ हम कोको पाउडर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, कोको पाउडर क्योंकि ऑयल बेस होता है तो मैं ऑयल भी साथ ही डाल दूंगा ताकि अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, वरना अक्सर कोको पाउडर के लम्स बन जाते हैं। जी, इसे कर लेंगे हम अच्छे से विस्क। ओके, इसमें हैंड बीटर वगैरह की जरूरत नहीं है, ये टू स्टेज केक मेकिंग मेथड है। इसके अंदर जो है हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के साथ जो है एरेशन करते हैं। ओके, ठीक है, और कास्टर्ड शुगर यूज करेंगे ताकि जल्दी से डिजोल्व हो जाए इसके अंदर। ठीक है, अब चला जाएगा दही। दही दही दूध और पानी और पानी। अब हम इसे तब तक विस्क करेंगे जब तक अच्छे से शुगर जो डिजोल्व नहीं हो जाती। ठीक है, फिर हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। ओके, जिसमें है मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। सोडा, ठीक है, और ये गनाश के लिए आपने रखा है? गनाश के लिए है जो कि हम ऊपर जो है फ्रॉस्टिंग करेंगे, गनाश को पहले तैयार करेंगे। ठीक है, फिर उसे ठंडा करके हम फ्रॉस्टिंग के काबिल कर लेंगे। ठीक है, इस स्टेज पे आपको लगता होगा बहुत लिक्विडी है लेकिन अभी इसमें मैदा नहीं गया है। और कितनी देर बेक करेंगे इसको हम? ये तकरीबन 35 से 30 मिनट के अंदर तकरीबन ये रेडी हो जाता है 150-160 सेल्सियस के ऊपर। अगर ज़्यादा हीट आपने रखी तो फिर ये डोम हो जाएगा, दरमियान से उड़ जाएगा। तो अगर हैंड बीटर यूज़ करना चाहें तो? हैंड बीटर की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। नहीं है, करना चाहें तो कर लें लेकिन स्लो स्पीड के ऊपर, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है। फ्लावर डालने के बाद तो बिल्कुल ही मिक्सिंग जो है इस स्टेज पे, अगर चीनी जल्दी डिसॉल्व हो जाए कोई मुश्किल नहीं है, कर लें आप। अगर फ्लावर डालने के बाद आपने ज़्यादा मिक्सिंग करी तो केक में बड़े बड़े होल बन जाएंगे। जी जी, मिल्की इसकी डार्क कुकिंग चॉकलेट आपने चॉप करके यहाँ रख दी है। और यहाँ पे भी हमने जो है वो हमारी डेरी फ्लेवर क्रीम लिया, आप चाहें तो वनीला भी ले सकते हैं जो फ्लेवर आपको ज़्यादा बेहतर लगे। ठीक, क्योंकि चॉकलेट के साथ जो है वो वनीला अगर मैंने मिला दिया तो फिर वो चॉकलेट के टेस्ट को जो है डिस्टर्ब भी कर सकता है, इसलिए मैंने डेरी फ्लेवर क्रीम ली है। ठीक है, ये अच्छे से विस्क हो गया है। बेकिंग पाउडर और सोडा हम फ्लावर में मिला देंगे। ठीक है, फ्लावर एक साथ भी डाल सकते हैं, चाहे तो दो तीन स्टेज पे डाल लें। ठीक है, टिन ग्रीस करके रेडी करके रखा है आपने और इसमें हम रख देंगे बेक होने के लिए 150-160 डिग्रीज, 30 मिनट 45 मिनट तक हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे और इसको हम गनाश बना के फिर इसको हम फ्रॉस्ट कर देंगे। आपको चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है डिजर्ट में? जी माशाल्लाह, जी लगता है मेरी तरह। आपको कितना अरसा हुआ यहाँ मिल्कीज पे? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल, बेटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ये चीज़ें हम हटा लेते हैं। जी, पतला है ये ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम पैन ले लेते हैं, 7 इंच का राउंड पैन है मेरे पास। ओके, और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है नॉन स्टिक ऑयल जो कि बेक हाउस से आपको मिल जाएगा पैन रिलीजिंग एजेंट के नाम से। ओ, अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये। आपको कुछ भी बनाना है, आपको लाइनर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फ्लावर डस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल ये लगाना है और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने ब्रश से लगाया इसको और आसान तरीके से निकल आएगा ना केक टिन में से निकल आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें सोयाबीन ऑयल वगैरह इस तरह की चीजें हैं, वैक्स है, वेजिटेबल वैक्स। बनिस्बत दूसरे केक्स के बैटर से ये थोड़ा पतला है, राइट? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मॉइस्ट केक है ना। जी, अगर बैटर गाढ़ा होगा तो फिर वो केक अच्छा मॉइस्ट नहीं रहेगा। अब हम इसे बेक करेंगे। ठीक है, तकरीबन 160 सेल्सियस के ऊपर ये आधे घंटे में इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। ओके, तो
अब गनाश भी बन चुकी है आपको पता है पिघली हुई चॉकलेट के साथ, हो गई है जी। माइक्रोवेव में मेल्ट कर ली थी मैंने, आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं और हम इसके साथ जो है गनाश रेडी कर लेंगे। चॉकलेट को हमेशा जो है रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया करें, फ्रिज में रखेंगे तो फिर चॉकलेट जो है वो मेल्ट नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम आएगी। आपने वो रॉयल वाली यूज की है कि दूसरी वाली? हाँ, हमारी रॉयल रॉयल वाली। क्रीम को भी मैंने हल्का सा वार्म कर लिया था, ठीक है, और इसे मैं जस्ट मिक्स कर दूंगा। चाहें तो आप हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हैं और अगर स्पैचुला से करना चाहें तो वो भी ठीक है। ठीक है, इस क्रीम को आप वार्म भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आज सीखा, बिकॉज मुझे नहीं पता था। हम तो इसको हमेशा ठंडा करके ही यूज कर चुके हैं, यू नो, सो वी हैव नॉट डन इट लाइक वगैरह के लिए तो हमें गर्म करना पड़ेगा ना, ठीक है, वरना पहले सिर्फ डेरी क्रीम वाले ही काम लिए जाते थे डेरी क्रीम से, और नॉन डेरी का मतलब वो विप करके ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब नॉन डेरी को आप जो है डेरी क्रीम की जगह भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कई चीज़ों के अंदर। ठीक है, चलो जी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है गनाश हमारी, और इसे अब सेट करने के लिए हमें या तो रूम टेम्परेचर पे छोड़ना होगा या फिर हम इसको फ्रिज में रख के भी जल्दी सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से तैयार है, ठीक है, इसे मैं रख देता हूँ। ये केक बोर्ड्स भी इस तरह के यहाँ मिलते हैं, कैन यू इमेजिन, आई मीन क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिल रही है। आई लव्ड द विजिट टू द शॉप। ये गनाश मेरे पास बिल्कुल रेडी है और ये अभी थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है तो मैं हल्का सा माइक्रोवेव कर लूँगा ताकि मुझे फ्रॉस्टिंग में मुश्किल ना हो। ओके, ज़्यादा देर नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए गर्म करेंगे क्योंकि गनाश बनने के बाद अगर आपने ज़्यादा वार्म कर दिया तो चीज़ जल्दी जल जाती है। चलिए, एक कटिंग नाइफ चाहिए होगी मुझे और एक स्प्रेड नाइफ। केक बोर्ड के नीचे मैं टिश्यू लगाऊंगा क्योंकि फिर ये स्लिप होगा, आप देख रहे हैं, ठीक है, हल्का सा टिश्यू लगा देंगे गीला करके। टर्न टेबल भी यहाँ मिल रही है, केक बॉल्स भी मिल रहे हैं, आई मीन आप जल्दी से खोल दें सिटी में एक बेक हाउस ताकि हम सब आ सकें आराम से इंशाल्लाह जल्दी। एजेस पे नाइफ लगा लेंगे क्योंकि मॉइस्ट केक है, ऐसा ना हो कि वो साइड्स पे जो है मुश्किल हो, और फिर नाइफ की मदद से इसको हल्का हल्का कितनी आसानी से। लवली, एक्सीलेंट, टॉप वाली लेयर जो है आप चाहें तो हटा दें, वरना जब केक बेक होकर आता है उस टाइम पे आप इसको हल्का मॉइस्ट कर लें तो ये क्रस्ट जो है हार्ड नहीं होता। अच्छा हाइटेड केक बना हमारा। शेफ आप देख सकती हैं कितना मॉइस्ट केक है, बिल्कुल। अब हम करेंगे इसकी तीन लेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैं जब मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाती हूँ ना, एक चीज़ मैंने अलग की है जो आपने नहीं शायद की, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी का फ्लेवर इसके साथ जी, तो कॉफी। मैं चुटकी भर इसमें कॉफ़ी डालती हूँ, उससे चॉकलेट का फ्लेवर उभर के निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप चाहते हैं अच्छा फ्लेवर बनाना, हल्का बेटर केक बनाना, तो आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। मॉइस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत अच्छा मॉइस्ट केक है, अगर आपने मॉइस्ट किया तो ये डीस्टेबल हो जाएगा। बर्थडे केक्स के लिए, ईद के केक के लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी, आई होप आप नोट कर रहे हैं और आप बनाएंगे ज़रूर।
लेट कर सकते हैं, जहाँ आपको लग रहा है लेयर जो है वो अनइवन है चाहे तो काट भी सकते हैं। ठीक, गनाश ये वाले क्रीम के साथ बना के कितने अरसे रख सकते हैं? गनाश अगर आप बनाते हैं और अगर आप रखते हैं फ्रीजर में तो 3 महीने तक रख सकते हैं। जब यूज करना हो तो उसे ओवरनाइट जो है रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद रूम टेम्परेचर पे सेट कर लें और फिर माइक्रो कर दें। जी बिल्कुल, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप तकरीबन 10 दिन तक रख सकते हैं। ठीक, बहुत एहतियात से काम करना है इस केक के ऊपर क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉइस्ट है और अब ये फ्रेश बना हुआ है। जी फ्रेश केक को जो है डबल कोट किया जाता है, पहले हम क्रम कोट करके फ्रिज में रखते हैं। जी, ठंडा होने के बाद फिर हम उसके ऊपर जो है वो सफाई से फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। अभी मैं देखूंगा, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं फ्रिज में रखूंगा। अब इसे जो है 5 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रखना होगा। ठीक है, ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम इसके ऊपर मजीद काम करेंगे। ठीक है जी, क्रम कोट कर दिया था गनाश के साथ केक को, पहली दफा ठंडा किया और फिर अब दोबारा इसको गनाश लगा रहे हैं, जरा नीट कर रहे हैं। शेफ इसको बहुत अच्छी तरह नीट कर रहे हैं गनाश को। तकरीबन हमारा केक बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल, और बस मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है नाइफ से, लुक्स डिलिशियस, मुझे बड़ी स्लाइस काट के दीजिएगा। हाँ चलिए, इसको कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है इसको डेकोरेशन की बिल्कुल, और ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है।